अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो होने जा रही है वो सैमसंग के BU 8000 सीरीज़ के बारे में, आज उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसका डिज़ाइन कैसा है और ये टीवी कैसी है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज जो हम बात कर रहे हैं वो BU 8000 सीरीज़ के बारे में, जो 2022 के एंड में आई है और 2023 का मॉडल कंसीडर हो रहा है। और BU 8000 की बात करूँ तो इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी है और डायनामिक क्रिस्टल कलर दिए हुए कंपनी ने इसमें। और इसकी रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 4K रेजोल्यूशन के साथ है ये, ठीक हो गया। और एयर स्लिम डिज़ाइन दिया हुआ है कंपनी ने इसमें और स्मार्ट कनेक्टिविटी है इसमें और डायनामिक डिजिटल कलर हैं जो बहुत इनहेंस कलर हैं, देखने में आपको बहुत अच्छे फील होंगे, रियल लाइक मिलेगा आपको। क्रिस्टल अल्ट्रा HD टीवी है, स्मार्ट टीवी है ये, ठीक है। इसकी जो 4K रेजोल्यूशन है आपको एक्सपीरियंस लाइक ऐसे मिलेगा जैसे के लिए आप रियली किसी चीज़ को देख रहे हैं, इतने अच्छे इन्होंने कलर कर दिए हैं, बहुत इनहेंस कलर कर दिए हैं, स्लीक लेंस, अफोर्डलेसली स्टाइलिश डिज़ाइन कर दिया, मतलब एयर स्लिम डिज़ाइन है, बिल्कुल स्लिम पैनल है इसका, ठीक है। इसकी बैकलाइट बहुत बारीक लगा दी है जिसकी वजह से इसकी जो है ना कलर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अब आपको जो है ना BU 8000 में जो है ना कंपनी ने जो है स्मार्ट टीवी, जो सैमसंग स्मार्ट टीवी है, मीट्स द एप्पल टीवी ऐप भी जो है इसमें दे दी हुई है, जो आप इजीली जो है ना एप्पल टीवी की जो ऐप्स हैं वो भी इजीली जो है ना देख सकते हैं। डायनामिक क्रिस्टल्स कलर्स मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हुई है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ना यूज़ की हुई है और अल्ट्रा HD कलर्स हैं इसके अंदर, सारे वंडरफुल एंड नेचुरल कलर्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे। और कंपनी ने इसमें जो ईजियर कंट्रोल रिमोट दे दिया हुआ है, ठीक हो गया। एडवांस सोलर सेल 1 रिमोट, मतलब कि सोलर सिस्टम वाला इसके अंदर सेल लगा हुआ है और आपको एक ही सेल वो इस्तेमाल होगा और उसको आप सोलर से चार्ज करें, ठीक हो गया, सोलर सिस्टम है और यूज़ करें उसको, आपको बार बार इसकी बैटरी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट दिया हुआ है कंपनी ने, ठीक है, जैसे कि बिक्स भी है, अलेक्सा है, ओके गूगल, तीनों अवेलेबल हैं इसके BU 8000 सीरीज़ में। बिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अलेक्सा इसके अंदर बिल्ट इन है और ओके गूगल भी कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। और गेम मोड में भी दिया हुआ है कंपनी ने, इसके अंदर गेम मोड है, ठीक हो गया। आप गेमिंग अगर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टीवी है गेमिंग के लिए, आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपको फील होगा गेमिंग करने में, क्योंकि इसकी प्रोसेसर स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत स्लिम डिज़ाइन है जिसकी वजह से वॉल पे लगा हुआ आपको बैक पे जो है ना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, जैसे कि AU 7000 या 8000 आपने टीवी अगर आपके पास देखा हो या अगर आपने लिया हुआ वो काफ़ी ठीक था, जिसकी वजह से ना आपकी वॉल और टीवी के दरमियान बैक पे काफ़ी स्पेस होती थी। अब इसमें स्पेस नहीं नज़र आएगी आपको क्योंकि ये बहुत स्लिम टीवी है। रेजोल्यूशन जो है इसकी 38x40x2160 इसके अंदर पिक्सल्स हैं। HDMI की बात करें तो HDMI 3 है इसके और USB इसके अंदर 2 हैं, सीरीज़ 8 है ये। मैं वीडियो की बात करूँ तो पिक्चर इंजन जो इसका दिया हुआ है कंपनी ने, क्रिस्टल प्रोसेसर 4K दिया हुआ है, इसके अंदर जो कलर्स की रेशियो है, जो कलर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर वो 1 बिलियन कलर दिए हुए हैं। पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ जिसे PQI कहते हैं वो 2200 है, इसका हाई डायनामिक रेंज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब HDR भी है इसके अंदर और ये जो सपोर्ट कर रहा है HDR वो HDR 10+ सपोर्ट कर रहा है। हाइब्रिड लॉग गामा भी इसके अंदर कंपनी ने दिया हुआ है। कंट्रास्ट जो है इसका जो मेगा कंट्रास्ट है, बहुत अच्छा कंट्रास्ट है, मेगा कंट्रास्ट जिसे करें। कलर जो इसके अंदर डायनामिक क्रिस्टल कलर है, ठीक है। माइक्रो डिमिंग की बात करें तो अल्ट्रा HD जो है ना इसके अंदर डिमिंग दी हुई है कंपनी ने। कंट्रास्ट एनहेंसर भी कंपनी ने दिया हुआ है इसके अंदर। ऑटो मोशन प्लस भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। फिल्म मोड भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है और फिल्म मेकर भी इसके अंदर कंपनी ने इसके अंदर जो है ना वो दिया हुआ है। हम इसके ऑडियो की बात कर लें कि ऑडियो में क्या क्या, वीडियो की तो बात होगी, अब ऑडियो में क्या क्या कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। डॉल्बी डिजिटल प्लस जो है ना इस कंपनी ने 2 चैनल दिए हुए हैं। अडाप्टिव साउंड भी कंपनी ने दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड जिसे OTS कहते हैं वो भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। और स्पीकर चैनल की बात करूँ तो 2 चैनल है इसके अंदर। और ब्लूटूथ ऑडियो की बात करूँ तो बिल्कुल ब्लूटूथ ऑडियो भी अवेलेबल है। अब स्मार्ट सर्विसेज में देखते हैं, स्मार्ट टीवी है बिल्कुल,
और इसका ऑपरेशन सिस्टम जो है ठीक है स्मार्ट टाइजन जो है ना इसका अपना सॉफ्टवेयर है जो मतलब के यूज़ होता है। अगर आप सैमसंग का टीवी ले रहे हैं तो वो एंड्रॉयड कभी भी नहीं होता, ठीक हो गया, वो स्मार्ट होता है। उसके अंदर जो एप्लीकेशन होती हैं जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, क्रोमकास्ट, प्राइम वीडियोज़, ये इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है जो टीवी में यूज़ होती हैं वो बिल्टन होती हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ ब्राउज़र भी इसके अंदर बिल्टन होता है, गैलरी भी बिल्टन होती है, आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी वजह से जो है ना ये टीवी हैंग नहीं होता, ठीक हो गया, और स्लो नहीं होता, जो बहुत अच्छा आपको जो है ना क्या कहते हैं उसे स्लो नहीं होने की वजह से जो है ना आपको बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हैं इसको। जब भी आप टीवी परचेज़ करें तो देख लें अगर स्मार्ट टाइजन का जो है ना सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, इट मीन दैट कि ये टीवी अच्छा टीवी है। और इसके अंदर बिक्स भी दिए हुआ है, बिक्स भी में जो लैंग्वेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, US इंग्लिश है, UK इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, कोरियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है, और इस तरह की आप लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश में इसमें मल्टी वॉइस असिस्टेंट कंपनी ने दिया हुआ है, गूगल असिस्टेंट जो है ना बिल्टन है इसके अंदर, वर्क विद गूगल असिस्टेंट आप कर सकते हैं इसके, वर्क विद अमेजोन एलेक्सा कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी प्लस कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है, वेब ब्राउज़र दिया हुआ है, स्मार्ट थिंग ऐप्स सपोर्ट, जितनी भी टीवी जो ऐप सपोर्ट करता है वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, स्मार्ट थिंग्स जितनी भी हैं वो भी चीज़ें जो है ना इसके अंदर अवेलेबल हैं। स्मार्ट फीचर्स की बात करें अगर हम मोबाइल टू टीवी मिररिंग जिसे कहते हैं हम, ठीक हो गया, वो भी अवेलेबल, मोबाइल टू टीवी मिररिंग अवेलेबल है इसके अंदर, टैब व्यू भी अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक हो गया, और इजी सेटअप जो है ना वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, ऐप कॉस्टिंग भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ लो एनर्जी भी अवेलेबल है, वाईफाई डायरेक्ट भी अवेलेबल है, टीवी साउंड टू मोबाइल वो भी अवेलेबल है, साउंड मिररिंग भी अवेलेबल है कंपनी ने इसके अंदर दी हुई है, और वायरलेस डेक्स भी अवेलेबल है, वेब सर्विस माइक्रोसॉफ्ट जो है ना 365 भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो गेम फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, गेम के कौन कौन से फीचर्स दिए हुए हैं कंपनी ने इसे, ऑटो गेम मोड भी दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर, ठीक हो गया, डायनामिक ब्लैक EQ जो है ना वो नहीं है इसमें, ठीक है, और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग भी दी हुई है कंपनी ने इसके अंदर, ठीक हो गया, एनालॉग ट्यूनर भी दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर, और डेटा ब्रॉडकास्टिंग जो है HBBTV जो है ना 2.0.3 है इसके अंदर, टीवी की सपोर्ट भी कंपनी ने इसके अंदर दी हुई है। कनेक्टिविटी की बात करें HDMI 3 है, USB इसके अंदर जो है ना पोर्ट वो दो कंपनी दो दिए हुए हैं, लैन जो है ना वो इसके अंदर दी हुई है कंपनी ने एक, डिजिटल ऑडियो आउट जो है ना वो एक दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर, और HDMI जो है ना EARC जो है ना, ठीक है, मैं HDMI 2.1 जो है चैनल जो है वो भी कंपनी रिटर्न चैनल सपोर्ट वो भी कंपनी ने दिया हुआ है, और EARC HDMI 2 जो है ना वो ERC है, HDMI क्विक स्विच जो है वो भी कंपनी ने दिया हुआ है इसके, वायरलेस लैन बिल्टन वो भी दिया हुआ, वाईफाई दिया हुआ है, ब्लूटूथ जो है ना 5.2 है इसके अंदर, ठीक है, और HDMI जो है ना CEC वो जो है ना वो भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है, डिज़ाइन है बहुत एयर स्लिम डिज़ाइन दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर, बेजल टाइप है 3 बेजल्स है, ठीक हो गया, 3 साइड है, बॉटम नहीं होता इसका बेजल्स, ठीक है, और स्लिम टाइप है, ठीक हो गया, फ्रंट कलर ब्लैक है इसका, ठीक है, स्टैंड कलर भी इसका ब्लैक है, और स्टैंड टाइप जो है ना फ्लॉट लिफ्ट इसका जो है ना स्टैंड टाइप है। एडिशनल फीचर की बात करें इसके अंदर तो ऑटो चैनल सर्च भी कंपनी ने दिया हुआ है, कैप्चन जो है ना वो भी दिया हुआ है कंपनी ने, कनेक्ट शेयर जो है ना वो भी दिया हुआ है, और USB 2.0 है इसको अंदर, EPG जो है ना वो भी कंपनी ने दी हुई है, OSD लैंग्वेज लोकल लैंग्वेजेस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, और BT जो है ना HID बिल्टन है इसके अंदर, USB HID सपोर्ट वो भी इसके अंदर बिल्टन है। अब इसकी पावर की बात कर लेते हैं, पावर सप्लाई जो इसको चाहिए वही 220 to 240 वोल्ट चाहिए होंगे, मतलब 50 to 60 हर्ट्ज़ ये टीवी सपोर्ट करता है, ठीक है, और पावर कंजम्पशन जो है इसकी मैक्सिमम जो है ना वो तकरीबन 130 वाट है, और कंजम्पशन स्टैंड बाय की बात करें तो 0.5 वाट जो है ना, ये स्टैंड बाय पे अगर टीवी लगा हुआ है तो आपको 0.5 वाट लेगा। इको सेंसर इसके अंदर मौजूद है, एनर्जी एफिशिएंसी क्लास की जो रेशियो जो मेजरमेंट्स होती हैं वो 4 है इसकी, पावर कंजम्पशन टिपिकल 73 वाट जो है ना वो टिपिकल जो है ना यूज़ करते हैं। ईयरली पावर कंजम्पशन की बात करें 270 किलो वाट पर हावर के हिसाब से जो है ना ये इसकी जो है ना पावर कंजम्पशन है। ऑटो पावर ऑफ भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। डायमेंशन की बात कर लें, पैकेज जो इसका पैकिंग है उसके साइज़ के साथ
1093 इसकी विड्थ है, 677 इसकी हाइट है, 129 mm जो है ना इसकी डेप्थ है। और अगर इसकी सेट साइज़ की बात कर लें तो मतलब टीवी की जो मैं बात करूँ, 965.5 mm इसकी विड्थ है, 599 mm इसकी हाइट है और 205.6 mm जो है ना इसकी डेप्थ है। वेट की बात करूँ तो पैकिंग वेट के वेट जो है ना इसका तकरीबन 12 kg है, ठीक, और नेट वेट तकरीबन इसका 9 kg बनता है। और नेट वेट विदाउट स्टैंड की बात करूँ तो 8.4 kg जो है इसका वेट है। अब इसके साथ एसेसरीज़ क्या क्या आती हैं, रिमोट आता है इसके साथ इसका, ठीक है, हो गया, और सैमसंग स्मार्ट क्लोड इंक्लूडेड होता है, ठीक है, और स्लिम फिट वॉल माउंट जो है ना, वॉल माउंटेड जो है ना वो इसके साथ, स्लिम फिट वाली जो आम नॉर्मल ब्रैकेट नहीं होती, स्लिम फिट वाली ब्रैकेट इसके साथ है। मिनी माउंट सपोर्ट है इसके साथ, ठीक, हो गया, ईजा वॉल माउंट सपोर्ट है इसके साथ, यूज़र मैनुअल एक आता है, ई मैनुअल आता है इसके साथ, ठीक, हो गया, पावर केबल होगी और HDMI वगैरह इसके साथ नहीं आती। इस टीवी के बारे में गूगल रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी टीवी है, ठीक है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, एनहेंस कलर हैं इसके। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं तो ये टीवी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और इससे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी है, कैसा है ये टीवी, ठीक है, और कलर कैसे हैं इसके और यूज़ करने में कैसा है। और बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।